So the race for Team India's bowling coach has been intensified. जी हाँ दोस्तों, तो गौतम गंभीर के बाद अब बॉलिंग कोच की बारी है अपॉइंटमेंट की. वेलकम बैक टू क्रिकेट नेक्स्ट. मैं ताऊ सीरीज भी फिर से लेकर आ गया हूँ एक नया वीडियो. आगे बढ़ने से पहले डू सब्सक्राइब एंड फॉलो अस ऑन अदर हैंडल्स एज वेल. बट दोस्तों, अगर बात करें बॉलिंग कोच की, तो काफ़ी इस पर बहस चल रही है. लोगों ने गौतम गंभीर ने अपने फेवरेट्स का नाम दिया है जिनके साथ वो पहले भी काम कर चुके हैं, और BCCI ने भी अपने इनपुट्स डालना शुरू कर दिए हैं. तो अगर हम बात करेंगे तो पहले तो आर विनय कुमार का नाम आ रहा है कि गौतम गंभीर वांट्स आर विनय कुमार एज वन ऑफ द बॉलिंग कोचेस, फॉलोड बाय जब वो कन्विंसिंग नहीं लगा तो बीच में लक्ष्मीपति बालाजी जो खेल चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए, उनका भी नाम क्रॉप आउट हो गया है. मगर इंटरेस्टिंग बात यह है कि BCCI भी रूमर्स ये हैं कि उन्होंने भी अपना इंटेंशन दिखाए जहीर खान को अपॉइंट करने के लिए. द फॉर्मर इंडियन ग्रेट हु हैज गिवन ग्रेट सर्विस टू इंडियन क्रिकेट टीम, जहीर खान द लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर. मगर एक और बड़ा नाम जो क्रॉप अप कर रहा है और जो जिसको गौतम गंभीर चाहते हैं वो टीम इंडिया का बॉलिंग कोच रहे, वो है नन अदर देन मॉर्नी मॉर्कल, द साउथ अफ्रीकन, द टॉल साउथ अफ्रीकन फास्ट बॉलर हु हैज प्लेड 86 टेस्ट मैचेस, 117 ODIs, 44 T20 इंटरनेशनल फ्रॉम 2006 टू 2018. सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि मॉर्नी मॉर्कल हैज ऑलरेडी ग्रेट एक्सपीरियंस ऑफ कोचिंग. वाइल रिसेंटली वो कोच थे पाकिस्तान के 2023 के वर्ल्ड कप के दौरान, वेयर पाकिस्तान रियली डिसअपॉइंटेड विद देयर परफॉर्मेंसेज. और इसके पहले गौतम गंभीर के अपॉइंटमेंट से पहले राहुल द्रविड हैज बीन कोच ऑफ टीम इंडिया एंड सक्सेसफुली 3 फाइनल्स तक पहुँचा दिए हैं राहुल द्रविड ने टीम इंडिया को. और लास्ट का फाइनल जो था वो था T20 वर्ल्ड कप का फाइनल, विच इज जिसमें टीम इंडिया को जीत हासिल हुई. उसके पहले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल पहुंचे थे जिसमें ऑस्ट्रेलिया से हारे थे. उसके बाद 2023 का वर्ल्ड कप जिससे नवंबर 19 को हम हार गए ऑस्ट्रेलिया के सामने वो भी. बट व्हाट अ फिनिश फॉर राहुल द्रविड्स करियर एज टीम इंडिया कोच. जबरदस्त परफॉर्मेंस दिया टीम इंडिया ने और एक फेयरवेल गिफ्ट दिया राहुल द्रविड को और उनके हार्डवर्क को रिवॉर्ड किया विथ ICC T20 वर्ल्ड कप टाइटल. मगर अगर हम बात करें मॉर्नी मॉर्कल की, जो 39 साल के हैं यानी 39 years old, ही इज interested in the job, but Gautam Gambhir wants him to be part of his whole entourage, जो उनके support staff हैं. और इसमें कई नाम आ गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया आर विनय कुमार, लक्ष्मीपति बालाजी और जहीर खान को भी consider किया जा रहा है. इसके पहले bowling coach थे टीम इंडिया के मॉर्नी मॉर्कल के अपॉइंटमेंट से पहले, अभी तक तो अपॉइंटमेंट नहीं है, बट इसके पहले थे पारस मामरे हु डिड अ वेरी वेरी गुड जॉब. और उनके अंडर काफ़ी फास्ट बॉलर्स प्रॉस्पर हुए लाइक मोहम्मद शमी, लाइक जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज और ऐसे ही बहुत सारे बॉलर्स आ रहे हैं, आवेश खान, साथ साथ टी नटराजन, अ लॉट ऑफ बोलर्स हैव इम्प्रेस सो फार. बट अगर हम मॉर्नी मॉर्कल की बात करें, इट्स गॉट बी अ ग्रेट ग्रेट थिंग फॉर टीम इंडिया कंसिडरिंग मॉर्नी मॉर्कल हैज बीन वन ऑफ द मेन बोलर्स फॉर साउथ अफ्रीका ओवर द ईयर्स और ही हैज वास्ट एक्सपीरियंस वेन इट कम्स टू कोचिंग. वो 2018 में रिटायर हो गए थे, इसके बाद उन्होंने कोचिंग को लिया था, एक्सपीरियंस आ गया अच्छा खासा. एंड देन यू माइट सी हिम डॉनिंग टीम इंडियाज बोलिंग कोच हैट इफ BCCI अप्रूव्स. बट अभी तो फिलहाल बातचीत चालू है और ये रेस बहुत ही ज़्यादा इंटेंसिफाइड हो गई और ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा डिबेटेबल हो गया है, हॉट टॉपिक हो गया है. इसमें से आपको क्या लगता है बताइए कमेंट बॉक्स में, कौन बनना चाहिए टीम इंडिया का बॉलिंग कोच? क्या लक्ष्मीपति बालाजी को अपॉइंट करना चाहिए? क्या आर विनय कुमार को अपॉइंट करना चाहिए? क्या जहीर खान को आना चाहिए जो हमारे दिग्गज गेंदबाज रहे हैं, वर्ल्ड कप 2011 का जीता है, या मॉर्नी मॉर्कल फ्रॉम साउथ अफ्रीका? सो दिस इज समथिंग विच वी हैव बीन वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम आफ्टर गौतम गंभीर अपॉइंटमेंट एज द कोच ऑफ इंडियन क्रिकेट टीम. अभी के लिए बस इतना ही. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब क्रिकेट नेक्स्ट और फॉलो करें हमारे अदर हैंडल्स पे भी. We'll be right back.